बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज क्लास 10th के नए टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को लेके आपके सामने हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एसिड और बेसिस के हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और वीक बेसिस पे भी हमने बात की है। पीएच और पीओएच पे भी हम बात जो है वो कर चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि इट इज अ रिएक्शन इन विच एन एसिड, अ बेस एंड अ बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस या उसमें रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो जब कभी कोई भी एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देंगे। अब ये स्टूडेंट्स, एग्जांपल आपके सामने है। लेट वी हैव एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों एक्वस सॉल्यूशंस को हम आपस में मिक्स करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो प्रोडक्ट होना चाहिए कि यहाँ से सोडियम आयन आएगा, यहाँ से क्लोराइड आयन आएगा। ये दोनों आपस में मिलकर NaCl बना देंगे, जबकि हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड और हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम बेस, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो रिएक्शन के नतीजे में साल्ट बना और वाटर बना, इसका मतलब है कि ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन हुआ है, इसका मैकेनिज्म क्या है। दोस्तों याद रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है और जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज हो जाएगा सोडियम आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। सिमिलरली जब हम HCl इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो बीइंग अ बेस ये भी आयनाइज हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन। अब ये दो अलग अलग एक्वस सॉल्यूशंस हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का है और एक HCl का है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर लें। सॉल्यूशंस को मिक्स करने का मतलब ये है कि आपने क्या मिक्स किया। इस सॉल्यूशन से आपके पास आए थे हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, और इस सॉल्यूशन से आपके पास आए थे सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपने मिक्स किया हाइड्रोजन आयन जो कि आपके पास एक्वस फॉर्म में है, क्लोराइड आयन जो कि आपके पास एक्वस फॉर्म में है, सोडियम आयन जो एक्वस फॉर्म में है, और हाइड्रोक्सिल आयन जो कि एक्वस फॉर्म में है। जब आप मिक्स करेंगे तो इसके नतीजे में सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वाटर। अब वाटर के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये शुरू से रिपीट कि जब आप इन आयन्स को मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और इस वाटर के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये अलग अलग ही रहेंगे, ये NaCl की फॉर्म में नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप वाटर को यहाँ से निकाल देते हैं तो फिर ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर NaCl बना देंगे, लेकिन जब तक वाटर है तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये अलग अलग ही रहेंगे। तो इस सॉल्यूशन में जो आयन्स सेपरेट रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो सेपरेट रहते हैं, इन आयन्स को हम स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। स्पेक्टेटर तमाशाई, देखने वाले। तो इन्होंने आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाया, बल्कि ये अलग अलग ही रहे हैं वाटर में, तो इस वजह से इनको हमने स्पेक्टेटर आयन का नाम दे दिया है। तो ये सोच, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है और आपके पास कोई ऐसा बेस है जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है, तो इस किस्म के एसिड और बेसिस को जब आपस में आप रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड
एंड हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम द बेस ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देंगे। अगर आपके पास एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे, बेस हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करे, तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम बेस टू फॉर्म वाटर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इससे रिलेटेड आपका जो होमवर्क है वो आपके सामने मैंने लिखा है कि राइट अ नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपकी बुक में मौजूद है, वहाँ से आपने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में, हेडिंग्स की फॉर्म में जो है ना वो खूबसूरत नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। गिव एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आपने कम अज़ कम दो एग्जाम्पल्स जो है वो देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल आपको लेक्चर में मैंने बता दी है, एक एग्जाम्पल आपने खुद सर्च करनी है और ऐसे ही उसको जो है ना वो एक्सप्लेन करके अपनी नोटबुक पे लिखना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।